सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एक नए चैप्टर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकीकृत चिट्ठा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पोस्ट कर दिया था और उसमें मैंने बताया था कि प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की गणना किस प्रकार से की जाती है। ये था फर्स्ट स्टेप। आज हम टू स्टेप पर बात करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, टू स्टेप ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, टू स्टेप ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ऑल स्टूडेंट्स आर वॉच वीडियो एट द एंड एंड नोट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस ई कंटेंट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ नेटवर्थ। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज इज डिटरमाइंड बाई होल्डिंग कंपनी एज फॉलो। होल्डिंग कंपनी एज फॉलो। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज, अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सहायक कंपनी की चुकाई गई पूंजी की राशि को हम यहां पर लिखेंगे। किसके लिए? नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी की जो शुद्ध मूल्य है बिजनेस का, वो कैलकुलेट हम कर रहे हैं और उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। और उस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी और उस अमाउंट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम पेड अप कैपिटल लिखने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, यहां पर उसका अमाउंट लिखेंगे। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेवेन्यू रिजर्व का अमाउंट भी हम यहां पर ऐड कर देंगे। ये करते करते हम आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। थर्ड जो हम लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट यहां पर लिखेंगे। बैलेंस कौन सा आएगा? सीआर बैलेंस होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो प्रकार का बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीआर बैलेंस, यहां पर अमाउंट उसका लिखेंगे। प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है उसकी गणना करना मैंने कल आपको, कल वाला जो एक कंटेंट था उसमें आपको बताया था प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। उसका अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपके पास है तो उसकी गणना हम करके यहाँ पर उसका अमाउंट लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर संपत्तियों के मूल्य में उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो उसका मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्व का मूल्यांकन किया जाता है उसमें मूल्य में कमी होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो उसकी राशि भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे।
इन सब का हम टोटल करेंगे और उस टोटल में से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो प्रकार का बैलेंस होता है, डीआर और सीआर। सीआर बैलेंस शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डीआर बैलेंस शो इन असेट साइड। बैलेंस ऑफ फिटिशियस असेट्स वाइज प्राइमरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉसेस। अगर आपको प्री एक्विजिशन में लॉसेस हो गया है तो उस लॉस का अमाउंट को यहां पर हम लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। और एक लास्ट का ऑप्शन है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर आपने संपत्तियों का मूल्यांकन किया तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी हो, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है और दायित्व का मूल्यांकन से भी नुकसान हो सकता है। तो लॉस अगर हो रहा है तो उसको अमाउंट को हम यहाँ पर लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो जितना टोटल था उस टोटल अमाउंट में से हमने जो लेस किया है उसके टोटल को लेस कर देंगे तो हमें नेट वर्थ का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नेट वर्थ का अमाउंट आपका कितना है। ये आपका सेकंड स्टेप है ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो आप आसानी से बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ इट compared with the cost of investment in the subsidiary companies. Compare with the cost of investment in the subsidiary company. The cost of investment is greater than net worth. The cost of investment is greater than net worth. Then excess of amount treated as goodwill. Repeat, the cost of investment is greater than net worth. Then excess of amount treated as goodwill, which is shown to the asset side of balance sheet. Goodwill shown in asset side of balance sheet. If the amount of net worth is greater than cost of investment, then excess amount is treated as capital reserve. Capital reserve और cost of control. Repeat, if the amount of net worth is greater than cost of investment, then excess amount is treated as capital reserve.
ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विच इज शोन टू द लायबिलिटी साइड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज अमाउंट रिसीव्ड ऑफ गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड एंड इज अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कैपिटल रिजर्व और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट गुडविल इक्वल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ एंड कैपिटल रिजर्व और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर्मूला कैपिटल रिजर्व और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इक्वल नेटवर्थ माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गुडविल असेट साइड कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी साइड assets and liabilities. Two step of complete of consolidated balance sheet. Computation of net worth of subsidiary companies and computation of goodwill or cost of control or capital reserve. If the value of goodwill is already existing in the balance sheet of both companies, then the above calculated goodwill will be added to then or capital reserve will be minus to then and balance amount will be shown in the asset side of the balance sheet if goodwill is already existing in the balance sheet of both companies then the above calculated goodwill will be added to then or capital reserve will be less to then and balance amount will be shown to the asset side of the balance sheet. Two steps are complete. Thank you very much. सभी विद्यार्थी अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और ऑनलाइन क्लासें ही आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि ऑफलाइन क्लासें अभी संभव नहीं हैं तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं और घर पर रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।